सर आपका नाम और? गुंजन शर्मा मेरा नाम है और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का चेयरमैन हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खत्ते का मैं चेयरमैन हूँ और गुजरात में एज ए इंचार्ज मैं काम कर रहा हूँ। और MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार की योजनाओं को अवेयरनेस के लिए लोगों तक लाती है और लोगों को उस अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को लोन करवाना, उनको सब्सिडी देना और उनके लिए जो जो भी उनके बिजनेस में या किसी उसमें प्रॉब्लम आती है उसको हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको उनकी चीज़ों को सही करते हैं और उनको लोन देते ताकि वो अपने अब फ्यूचर को और अपने आने वाले कल को मतलब कल को सहार सके, काम कर सके। और मैं सूरत में हूँ अभी और यहाँ पे आज हमारी अनाउंसमेंट थी शाहनवाज़ कुरैशी, ज़हीर भाई कुरैशी जी की एज ए वाइस चेयरमैन गुजरात और इम्तियाज़ जी की एज ए वाइस चेयरमैन गुजरात। तो इन इसमें जो भी MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की 600 योजनाएं हैं भारत सरकार की, लेकिन हम तो जितनी योजनाओं को मतलब जनता तक ला सकते हैं उतना हम काम कर रहे हैं इस पर। और अब ये गुजरात जो है, गुजरात की जो भागदौड़ है वो हमारे शाहनवाज़ भाई पे है। अब ये युवाओं को कितना अधिक से अधिक युवाओं को एम्पावर करते हैं, यूथ को एम्पावर करते हैं, ये तो अब इनको ही काम करना है आगे। और हमारी तरफ से जितनी इनकी हेल्प होगी, जितनी हमारी सपोर्ट होगी हम इनको देंगे। तो हमारा अभी MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अभी तक 28 राज्यों में, 708 जिलों में, 81,000 लोगों के साथ संपर्क में हमने जिन लोगों को रोज़गार दिया है, वो जिन परिवारों को हमने रोज़गार दिया है, हमारे साथ 81,000 परिवार अभी जुड़ चुके हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग इसको अपना 37 यानी कि 28 जिले स्टेटें और 9 हमारे यूटीज़ जो हैं जम्मू भारत की उसके उस तक पहुंचेंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग पूरे भारत के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, मेक इन इंडिया का, उसको साकार करेंगे, आत्मनिर्भर भारत। मैं डॉक्टर हिमजा मैंगी, वाइस चेयरपर्सन MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया JKUT जम्मू कश्मीर और ले में है। मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ वहाँ की। और जैसा कि हमारे भाई साहब गुंजन भाई साहब ने बताया कि MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ही मोटो है कि हम किसी भी तरह से अपने भारत को, पूरे भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाएं। युवाओं की जो स्कीम्स हैं, युवाओं के लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी बनाई हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं भी है तो वो आत्मनिर्भर बने, अपना भी कल्याण करें, देश का भी कल्याण करें। और ख़ासकर हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत हिस्सा है महिलाएं, जिनका कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे पुरुषों का है। तो कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उन्हें भी काम करने का एक अवसर प्रदान हो। घर बैठकर अगर वो कोई काम करना चाहती हैं, कोई उनको प्रशिक्षण चाहिए, अगर उनको आर्थिक सहायता नहीं है तो आर्थिक सहायता चाहिए, वो किस तरह मिलेगी, कैसे उपलब्ध होगी, यही हमारी MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। यही हमारा प्रण भी है कि भारत सरकार की वो नीतियाँ जो गांव-गांव तक ना पहुंचे, जो कहीं तक ना पहुंचे, उसे हम पहुंचाएं। इसीलिए इस तरह की MSME प्रमोशन काउंसिल का जो है वो गठन हुआ ताकि ये नीतियां उन तक पहुंचे और हमारा भारत, जैसे कि मेरे भ्राता जी गुंजन जी ने कहा कि भारत जो है वो विकसित भारत बने, वो आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया का नारा जो है वो हर तरफ गूंजे, उसी के लिए ये प्रावधान है। जय हिंद, जय भारत। जी, इसीलिए हमारी जो इस प्रमोशन काउंसिल का जो है गठन हुआ है ताकि जो भी योजनाएं हैं लोन से रिलेटेड, जो भी मैंने पहले भी कहा कि अगर वो कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, कोई कौशल है किसी के अंदर और उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम देंगे, वो हम तक पहुंचेंगे। क्योंकि इसीलिए हम यहाँ आज सूरत गुजरात में आए हैं। एक तो यहाँ पे भी हमने आज जो है वो घोषणाएं की हैं, नवनिर्वाचित हमारे वाइस चेयरपर्सन जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और इसका जो है वो लाभ जो है, वो योजनाओं का जो लाभ है वो हमसे होकर जो है वो जनता तक पहुँचे, तो इसी के लिए ये प्रावधान है।